कैथल में 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिलावासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं। कैथल में बनने वाले भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज की इस दिन आधारशिला रखी जाएगी और मुख्यमंत्री खुद जहां कैथल पहुंचेंगे वहीं हवन यज्ञ के साथ ही मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। 16 अक्टूबर को ही कैथल के जाट शिक्षण संस्थान में जनसंवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनका निपटान करने की कोशिश भी की जाएगी। सीएम के दौरे को लेकर विधायक लीला रामा आज जहां मेडिकल कॉलेज स्थल में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, वहीं उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों से इसको लेकर जानकारी भी हासिल की। आने वाली 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल में पधार रहे हैं और कैथल में भगवान परशुराम जी के नाम पर बनने वाला मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कह लीजिए, यहाँ ये जो हवन का आयोजन किया गया है उसमें आहुति डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मेडिकल कॉलेज इसमें 22 महीने का टाइम, 2 साल में लगभग कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। मेन तो यही है कि हमने हमारे गोयल साहब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे जानकारी ली थी, उन्होंने बताया था बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 7-8 फ्लोर इसकी बिल्डिंग बनेगी 3 मंजिल की। कैथल पूरे जिले में अब तक इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से कैथल जिले की 36 बरादरी के बहन भाइयों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। शहरवासियों के लिए जनसंवाद का कार्यक्रम सूरजमल स्टेडियम जाट कॉलेज में रखा गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ सरपनखेड़ी में आएंगे, हवन में यज्ञ डालेंगे 11 बजे के लगभग और उसके बाद कैथल हल्के की 44 पंचायतें हैं, सरपंच, मेंबर पंचायत, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, उनसे जनसंवाद करेंगे और गांव के विकास के लिए गलियों की, सड़कों की, कोई स्कूल है चौपालों की, उनके बारे में बात करेंगे। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर हो सकता है उसका वहीं मौके पर करेंगे और जिनका घोषणा के रूप में होगा उनकी घोषणाएं करेंगे। मुख्यमंत्री जी करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम करेंगे कि कैथल की जनता को अध्यक्ष जी 15 साल झूठ बोल करके कि पीजीआई बनेगा उसके नाम पर वोट लिए और एक तरह से 15 साल लोगों के साथ ठगी करने का काम किया और उसके बाद मैं अकेला भी नहीं कहता, मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैंने खुद हमारी मंत्री हमारी कमलेश ढांडा जी, पड़ोसी विधायक हैं रणधीर गोलन जी और ईश्वर सिंह जी, हमने चारों ने मिलकर के प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि कैथल जिले के लोगों को 15 साल वोट ली गई पीजीआई के नाम पर। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कैथल के लोगों को मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, उनकी ज़रूरत भी है, बुनियादी ज़रूरत है, तो इस पर थोड़ा है गौर करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली मीटिंग में ही आश्वासन दे दिया था कि मैं मीटिंग करके और आपको जल्दी इसका नतीजा देता हूँ और मैं इस बात से ये भी कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। खैर 16 अक्टूबर को जहां कैथल वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ी सौगात देंगे, वहीं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे ताकि लोगों को पेश आ रही समस्या का समाधान हो सके और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद लोगों को बेहतर इलाज के साथ मेडिकल शिक्षा की सुविधा भी मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।